अज साड़ियां संस्थावां दे विच आपो धापी पई होई है। एक कहिंदा मैं वड्डा, मेरी संस्था वड्डी, मेरे अधिकार वड्डे, दूजी दी संस्था छोटी, दूजे दे अधिकार छोटे। कब्जे दी लड़ाई हो रही है संस्थावां दे उत्ते, कब्जे दी लड़ाई हो रही है। पंथ कित्थे है? पंथ कित्थे दिसदा है? पंथ लई कौन लड़ रहा है? असीं तां संस्थावां दे उत्ते कब्जे दी लड़ाई लड़ रहे। ये गोलकां संभालदे असीं गोलकां संभालीए। अज 80% श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते जिहड़े मामले पुज रहे है वह गुरद्वारा कमेटियां दे लड़ाइयां झगड़ियां दे फैसले मामले जिहड़े आ पुज रहे आपस दे विच। और उन्हां 80% दे विचों ज़्यादातर मामले जिहड़े है वह भारत तो बाहर दे देशां दे पुज रहे। की करोगे तुसीं? चलो मान लो पंजाब वालियां नूं तां कहिंदे जी इन्हां नूं अकल नहीं है तां अनपढ़। बाहर बैठे जिहड़े सिख आ वह तां पढ़े लिखे है, वह तां बड़ा वधिया जिहड़ा है वह निजाम है उत्थों दा। उत्थे गुरद्वारा कमेटियां दे झगड़े क्यों है? लखां करोड़ां डॉलर जिहड़ा है वह कोर्टां दे विच फूकिया जा रहा है संस्थावां ते कब्जियां दी लड़ाई नूं लैके। तुसीं रोक के दिखाओ, इस हद तक चले जांदे ने कि असीं अकाल तख्त साहिब नूं नहीं मनदे। जदों ये लोग ये भी कह देणगे कि असीं गुरु नूं ही नहीं मनदे, जिस गुरद्वारे का प्रबंध संभालना असीं उस गुरु नूं ही नहीं मनदे, ये भी कह देणगे, क्योंकि निर्लज हो चुके ने, ढीठ हो चुके ने। अज साडियां संस्थावां सानू सारिआं नूं रल मिल के बचाउण दी जरूरत है। इस करके साध संगत जी सानू सोचण दी जरूरत है, सानू समझण दी जरूरत है। असी बाबा अकाली फूला सिंह जिहड़े इस तखत दे महान जथेदार रहे ने उन्हां दी 200 साल शताब्दी जिहड़ी आ उह मना रहे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहब बैठे ने। असीं फिर कहिंदे आ कि तख्तां दे जथेदारां दी नियुक्ति दा विधि विधान जिहड़ा है उह क्यों नहीं बनाया जा रहा? तख्तां दे जथेदारां दे अधिकारां दी व्याख्या क्यों नहीं की जा रही? किन्ना समां जिहड़ा है कोई तख्त दा जथेदार रहेगा, कदों हटेगा, कदों बनेगा, की प्रक्रिया होएगी, क्यों नहीं ये विधि विधान जिहड़ा है कौम दीआं संस्थावां जां कौम दे विद्वान जिहड़े आ उह मिल के बना रहे? और ये चीज श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों चिट्ठी भेजी गई सी जदों सिंह साहब मानयोग जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदांती जथेदार सी उन्होंने पत्र भेजा सी। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबंध सिंह जी बैठे ने, इन्होंने रिमाइंडर भेजा सी, असीं रिमाइंडर भेजिया कि जथेदारां दी नियुक्ति दे विधि विधान होने चाहिए ने, कोई अपने अधिकार तो बाहर ना जा सके। जे महादोष लगता है जथेदार ते, कोई गलती कोई खुनामी जथेदार तो हुंदी है, ते उहनूं उतारन दा की विधि विधान हुंदा, होना चाहिए कोई विधि विधान है? हाई कोर्ट का जे जज के उत्ते महादोष लग जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी है वह अदालत देखती है, सुनती है, क्योंकि उन्होंने विधि विधान बनाया। सैशन कोर्ट नहीं है चक के हाई कोर्ट के जज को सज़ा दे देंगे, लेकिन साढ़े विधि विधान ही कोई नहीं।